तो ये स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस के स्टडी नंबर थ्री विच इज़ रिलेटेड टू रेड्स रेड्स इज़ द ऑर्गेनाइजेशन नेम ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली हेयर सैलून में डील कर रही है और इस केस स्टडी में हम देखेंगे कि किस तरह इस ऑर्गेनाइजेशन में जो इम्प्लॉइज हैं वो मुख्त किस्म के डिजीज में शिकार हो रहे हैं और किस तरह ये ऑर्गेनाइजेशन उनको सोलूशन प्रोवाइड कर रही है अब इस केस स्टडी को हम देखते हैं रेड इज़ आ हेयर ड्रेसिंग सैलून लोकेटेड इन आर सब अर्बन ऑन स्टेट हाई वे वन एंड आर नॉर्थ ऑफ वेलिंगटन वेलिंगटन से एक घंटे के फासले पर उसके साउथ में यह आर्गेनाइजेशन वाक़ है और इस आर्गनाइजेशन में हेयर ड्रेसिंग के रिलेटेड काम किया जाता है द बिजनस इज़ ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड इसके स्टडी के अंदर ये जो आर्गेइजेशन हमने ली है इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं है ये सिर्फ टू टिकेट पर मुहित है बीस साल पहले इस आर्गनाइजेशन की बुनियाद रखी जाती है एंड हैज़ बिन बिल्ट अप ओ ओवर दैट टाइम बाई दी करंट आनर जो मौजूदा है इसका आनर इस वक्त है इसी ने उस वक्त इसकी बुनियाद रखी थी इट इम्प्लॉइज टेंट स्टॉफ इसमें नंबर ऑफ इम्प्लॉयज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं अब ये इंटेंशनली केस स्टडी डी ये स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए ली है नॉर्मली बच्चे वो केस स्टडीज लेते हैं जिनमें इम्प्लाइज हंड्रेड टू हंड्रेड फाइव हंड्रेड वन थाउजेंड है हमने ये देखना है कि स्माल स्केल ऑर्गनाइजेशन में भी हेल्थ सेफ्टी या आकोपेशन के हवाले से अप्लीकेशन है या नहीं है इसलिए इस स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को हमने पे किया है इट इम्प्लाइज टेन स्टाफ एट अ मिक्स ऑफ स्किल फ्रॉम अपलेंटिस दो टू एडवांस स्टाइलिस्ट स्टार्ट मीन के वो बंदे जिनमें टेक्निकल ह्यूमन इंटरपर्सनल कंसेपचुअल ये स्किल नॉर्मल हैं और टॉप पे जिन लोगों में कंसेप्चुअल स्किल पीक पे है हर किस्म के एम्प्लॉज यहाँ काम कर रहे थे स्टाफ टर्न ओवर इज वेरी लो स्टाफ टर्न ओवर डी स्टूडेंट्स कहते हैं जो इम्प्लाई जॉब छोड़ के चला जाता है उसे टर्न ओवर कहते हैं या स्टाफ टर्न ओवर कहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की रिटेंशन कपैस रिटेंशन के हवाले से स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी हैं रिटेंशन का ये मतलब है कि एम्प्लॉ को रिटेन रखना यही वजह है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने इम्प्लाई को रिटेन रखा और इसके इंप्लाईज बहुत ज़्यादा जॉब छोड़ के नहीं जा रहे थे इसको हम कहते हैं स्टाफ टर्न और इस ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ टर्न ओवर वेरी लो एंड रेजिग्नेशन यूजली फॉर रीज़न एसोसिएटेड विद जियोग्राफिकल मूव्स और करियर डिवेल्पमेंट जो जॉब छोड़ के जाते थे वो इंटेंशली नहीं जा रहे थे बल्कि ड्यू टू तो टू फैक्टर्स जा रहे थे और वो टू फैक्टर जियोग्राफिकल रीज़न था कि अगर किसी एम्प्लॉ की जॉब हो गई बहुत दूर जगह से तो अगर उसके नज़दीक उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई तो वो जॉब छोड़ के चला गया एक ये रीज़न थी और नंबर टू करियर डिवेल्पमेंट अगर किसी बंदे की जॉब हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेड सेवनटीन में और उसको ग्रेड नाइनटीन की अपॉर्चुनिटी मिल गई वो जॉब छोड़ के चला जाता है तो इसको हम करियर डिवेल्पमेंट कहते हैं तो करियर डिवेल्पमेंट की वजह से भी इम्प्लाई जॉब छोड़ के जा रहे थे लेकिन इनके अलावा कोई इम्प्लाई वहाँ जॉब छोड़ के नहीं जा रहा था हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हैजर्ड्स थी वो कौन कौन सी थी कैसे थी कैसे उनको कंट्रोल किया जाता था द दलून हैज इन द दास्ट सिक्स गॉन थ्रू अ प्रोसेस वेल बाय ऑल स्टाफ पार्टिसिपेटेड इन आइडेंटिफाइंग अबाउट हाउ दिस कैन बी कंट्रोल्ड आर वट को स्टूडेंट्स एक सेंटेंस जो मैंने बोला है इसके अंदर चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं छः माह में इम्प्लाई की ड्यूटी लगाई लगाई गई इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हैजट्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं पोटेंशियल उनको आइडेंटिफाई करें पहले नंबर पर यह काम करें नंबर टू इसके अलावा उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कोलेक्टिव एक्शन कैसे लिया जा सकता है और इन तीनों का एक मकसद था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिस्क है उससे कैसे बचा जा सकता है तो ये प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन ने छः माह पहले स्टार्ट की द मेन हैजर्ड एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री आर दोज एसोसिएटेड विद एक्सपोजर टू केमिकल्स यहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो केमिकल्स है हेयर सैलून के अंदर जो केमिकल यूज हो रहे थे किसी किस्म के भी केमिकल जिनको आप यूज कर रहे थे हेयर ड्रेसिंग के अंदर उन केमिकल की वजह से वो जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उनकी बॉडी के ऊपर उनके हेल्थ के ऊपर उनके ब्रेन के ऊपर वो इसके अलावा जो आप सांस ले रहे थे उसके ज़रिए से उन चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा था इंक्लूडिंग पर्टिकुलर इंक्लूडिंग इन्हेलेशन इन्हीशन कहते हैं मैं सांस ले रहा हूँ अंदर लेके जा रहा हूँ उसको इन्हेल कहते हैं अब उस ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि केमिकल रिएक्शन से केमिकल से लोग काम कर रहे थे और केमिकल इन्हील कर रहे थे तो ये एक बड़ी रीज़न थी इसके अलावा स्किन डिसऑर्डर ये जो हमारी स्किन है इसकी डिसऑर्डर कि अगर जब आप किसी बंदे को ये यूज़ कर रहे हैं वो केमिकल उसकी स्किन पे लगा रहे हैं तो आपकी बॉडी भी इफेक्ट हो रही है तो उसको स्किन डिसऑर्डर कहते हैं एंड एलर्जिक रिएक्शन कुछ लोगों की बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है उनके ऊपर एलर्जी जल्दी इफेक्ट करती है तो ये तीन वहाँ पर मेन रीजन आ रही थी इनहेल करने की वजह से स्किन डिसऑर्डर की वजह से और एलर्जिक रिएक्शन की वजह से जिसकी वजह से वो जो इम्प्लाईज थे मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे थे इट वॉज नोटेड दैट द रिडक्शन ऑफ रिस्क इन दिस एरिया लाजरी बेन क्लाइंट ड्रिवन कि पिछले कुछ सालों से ये काफ़ी चीज़ें कम हो चुकी थी क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ चुकी थी हेल्थ एंड सेफ्टी ऑकोपेशन की प्रैक्टिस हो रही थी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो स्माल थी लेकिन अपने एस ओ पीज को ऊपर स्ट्रिक्टली अमल कर रही थी

सेलून था जो वेल well वेंटिलेटेड था एजी था हवादार था यानी कि उसमें वेंटिलेशन सिस्टम ठीक थी ताकि अगर किसी किस्म के वहाँ केमिकल्स थे तो इस तरह का सिस्टम था जो बहुत वह देर वहाँ पर ठहरते नहीं थे अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वट इज़ वर्किंग वेल एट रेड्स अगर हम चाहते हैं कि जो रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये मजीद बेहतर काम करे दैन वट हैव टू डू डेर इज ओपन कम्युनिकेशन सेफ्टी टू बी रेज एज दे कम अप ऑर्गेनाइजेशन छोटी थी हेल्दी वर्किंग एन्वायरमेंट था तमाम इम्प्लॉइज आपस में वेल well कनेक्टेड थे एस ओ पी स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो किए जा रहे थे और ये जो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन थी इसको मालूम था कि व्हाट दे हैव टू डू एंड व्हाट दे डू डोंट हैव टू डू इस वजह से वहाँ पे चीज़ों को प्रॉपर मैनेज किया जा रहा था और ऑर्गेनाइजेशन की इंप्लाई के ऊपर उन चीज़ों के बैड इफेक्ट बहुत कम थे नंबर टू स्टाफ अ गुड अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ दी हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़ दैट फेस देम इन दे वर्क इन्वामेंट वो काम सैलून का कर रहे थे हेयर ड्रेसिंग का कर रहे थे बाल बना रहे थे फेशियल कर रहे थे बॉडी मसाज या इसके रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हो सकते हैं उनको वो डील कर रहे थे अब यहाँ पर जो केमिकल यूज़ हो रहे थे पहले इनकी प्रेफरेंस ये थी कि इस किस्म के केमिकल इस किस्म की वो जो लोशनज हैं या इस किस्म की क्रीम्स हैं इस किस्म की प्रोडक्ट्स यूज़ की जाए जिसका कम से कम बॉडी पर इम्पैक्ट हो कस्टमर की बॉडी पे कम से कम इम्पैक्ट हो और जो शख्स वहाँ खड़े होकर काम कर रहा है उसकी बॉडी पे कम से कम इम्पैक्ट हो और इनको ये अवेयरनेस थी इनकी ट्रेनिंग थी प्रॉपर जब इम्प्लॉ को प्रॉपर ट्रेन किया जाता है तो वह ऐसी प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करता जो इंसानी सेहत के लिए हार्मफुल होती हैं और लास्ट डिस्पाइट बीइंग अ स्मॉल वर्क प्लेस आल दो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी थी हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम्स आर इन प्लेस एंड हैव बिन अप्रोच इन अ अस्टमेटिक वे इस ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ एंड सेफ्टी ऑकोपेशन के जो स्टैंडर्ड्स थे उनको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो किया हुआ था यही रीज़न थी कि इनके एम्प्लॉइज के अंदर इसकी सभी कंप्लेंट्स बहुत कम थी इनका वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत हेल्दी था और इसके अलावा अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो यू कंक्लूड या स्टूडेंट्स मैं इसको कर सकता हूँ कि वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही थी यही वजह है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टेक्निकल किस्म के इश्यूज थे वो बहुत कम थे या ना होने के बराबर थे